देखिए हमारी सभी छोटी से बड़ी बहनों का हमारी तरफ से नमस्ते। और हम आपको यहाँ पर दो कलर का डिज़ाइन बना के दिखाएंगे। देखिए मैंने इस धागे को इसमें पहले से ही उनको ऐड कर लिया है और ये छोटा सा ही बॉर्डर बनाया है हमने। आपको जितने फंदे बढ़ाने हैं आप उसमें पहले बॉर्डर के बाद बढ़ा लें। और तीन फंदे हम इस तरह बनाएंगे, एक फंदा हम स्लिप कर लेंगे, फिर से तीन फंदे बनाएंगे, एक फंदा स्लिप कर लेंगे, देखिए हमें पूरी रो को उस तरह ही कंप्लीट करना है। ये देखिए ये हमारी पहली रो कंप्लीट हो गई। देखिए एक सिलाई हमारी कंप्लीट होगी, एक रो फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट होगी और ये दूसरी रो है, दूसरी सिलाई, टू सिलाई, टू रो। और आप देखिए इसमें हम ये हमारा एक ही फंदा यहाँ पर बचा था, हम इसे तो किसी भी तरह इस तरह स्लिप भी कर सकते हैं। और फिर हम धागा अपनी तरफ साइड में लाएंगे और इस फंदे को इस तरह स्लिप कर लेंगे, पीछे की साइड ले जाएंगे, फिर इस फंदे को हम इस तरह बनाएंगे, ये उल्टा फंदा सीधा अपनी साइड लाए ऊन को, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर इस फंदे को स्लिप कर लेंगे, फिर से इस तरह ले जाएंगे ऊन को, फिर इस फंदे को सीधा बनाएंगे और एक बीच के फंदे को उल्टा बनाएंगे। देखिए ये दूसरी रो है हमारी, आप इसमें एक ही रंग की ऊन से बनाते हैं, इसे स्लिप कर लेंगे, फिर इस तरह सीधा बनाएंगे, एक फंदे को उल्टा बनाएंगे बीच के और इसे फिर सीधा बनाएंगे, तो इस फंदे को स्लिप करेंगे, फिर से सीधा बनाएंगे, फिर इस फंदे को उल्टा बनाएंगे, इस फंदे को फिर सीधा बनाएंगे, इस फंदे को स्लिप कर लेंगे। देखिए पूरी रो इसी तरह कंप्लीट करनी है। हम आपको शुरू से डिज़ाइन को इसलिए बना के दिखाते हैं कि बीच में से कभी कभी समझ नहीं आता। देखिए हमारी ये टू रो कंप्लीट होगी, एक कलर से दो सिलाई बनानी है। अब मैं इस वाइट कलर से बना के दिखाऊंगी। देखिए ये हमारी तीसरी सिलाई है, बॉर्डर बनाने के बाद आप इसे में उल्टी सीधी सिलाई निकालें फिर डिजाइन शुरू करें। यह हमारी दो सिलाई एक कलर से कंप्लीट होगी। अब देखें, देखिए जो हमने बीच में फली बनाई है इस तरह पीछे से, इसे हमें स्लिप करना है और इन तीन फंदों को वाइट कलर से बनाना है। अब देखिए मैं बना के दिखा रही हूँ आपको, ये हमारी तीसरी रो है, थर्ड रो, ये फंदा हमने इस तरह बना लिया, इस फंदे को हमने स्लिप कर लिया, फिर से हमने तीन फंदे वाइट कलर के बनाने हैं। देखिए इस डिज़ाइन को आप किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं, कैप वगैरह, इस तरह बन के आएगा। ये फंदा हमने स्लिप करना है, देखिए
इससे एक तरीके से इससे भी पता चलता है कि जो हमारा वाइट कलर का फंदा है इसके बराबर बराबर के फंदों को हमें बनाना है, और ये जो बीच का फंदा है उसे हमें स्लिप करना है इस तरह, और ये तीन फंदे हमें बनाने हैं। ये तीसरी रो है, आपको जो कलर अच्छा लगे आप उसमें डिज़ाइन बना सकते हैं। देखिए कि मेरी तीसरी रो कंप्लीट हो गई है, बहुत सिंपल सा डिज़ाइन है। ये हमारी फोर रो है, चार रो है, हम पीछे से इसे बैक साइड से इस तरह सिंपल सिंपल बुन के कंप्लीट कर देंगे। जो फंदे हमने स्लिप कर रखे हैं उन फंदों को भी बनाना है हमें, और जो फंदे बना रखे हैं उन्हें भी बुनना है। पीछे से सिंपल इसी तरह सिलाई को हमें कंप्लीट करना है, और ये हमारी फोर रो है सूत की सिलाई जिस तरह, और ये हमने बनाकर कंप्लीट कर दी इस तरह आएगी ये पूरी। ये देखिए इस तरह हमारा ये डिजाइन बन के आएगा। अब की बार हमें इस कलर से बनाना है, देखिए बनाना तो हमें इसी तरह है, अब की बार हमें इस कलर को यहाँ लगाना है, बस इसमें यही चेंजिंग है और कोई भी चेंजिंग नहीं है, और बनाना इसी तरह है। ये तीन फंदे जो हमने स्लिप कर रखा था ये तीन हमें इस कलर के बनाने हैं। देखिए मैं शुरू से आपको बना के दिखा रही हूँ, ये जो दो फंदे हैं इस फंदे को हम इस तरह बना लेंगे, एक फंदा हमने बना लिया, इस फंदे को हमने स्लिप कर लिया, और ये तीन फंदे हम ग्रीन कलर के हरे रंग के बनाएंगे ताकि एक दूसरे के ऊपर से डिब्बियाँ से बनती हुई चली जाएं, और ये फंदा हम स्लिप कर लेंगे। फिर से हमें तीन फंदे बनाने हैं, बनाना हमें डिजाइन को इसी तरह है, बस कलर चेंज किया है और कुछ नहीं है। देख फिर भी मैं आपको एक सिलाई दिखाती हूँ बना के, एक रो वैसे ही सबकी समझ में इसी तरह आ जाएगा। अगर कुछ बिगनर लोग हैं जो शुरू में बनाते हैं, अगर उन्हें कुछ हमारी से पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हम सारे ही डिज़ाइन इस तरह के डालते हैं कि जो शुरू में बच्चे बनाना सीखते हैं उन्हें सब समझ में आ जाए, और डिज़ाइन तो ये आप किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं, जैकेट स्वेटर हाफ स्वेटर में भी डाल सकते हैं, सॉक्स में कैप में भी डाल सकते हैं। देखिए ये हमारी पांचवी रो है, और मैं आपको देखिए पीछे की साइड से तो हमने ऐसे ही बनाना है हर बार, फिर भी चलो हम देख लेते हैं इसे। देखिए सॉरी मुझसे मिस्टेक होगी, यहाँ पर मैं एक फंदे की बजाय दो बना दिया। देखिए अगर हमारी वीडियो में कोई गलती होती है तो आप लोग हमें बताएंगे, तभी हमें पता चलता है। अगर हमारे से आपको कोई फंदे वगैरह डिजाइन के बारे में पूछना है तो वो भी पूछ सकते हैं। देखिए मेरे डिजाइन इस तरह बन के आएगा, और पीछे की साइड से मैं चलो आपको एक बार फिर से दिखा दें। देखिए जो हमें पहला फंदा होता है हमें इससे
इस तरह बनाना होता है दूसरे फंदे को अपनी तरफ उनको लाके इस तरह बना लेंगे। फिर से हमें इस फंदे को सीधा बुनना होता है, इस फंदे को स्लिप करेंगे फिर उन बैक साइड ले जाएंगे, फिर अपने सीधा फंदा बनाएंगे, फिर से ये उल्टा फंदा बनाएंगे। देखिए हर बार हमें इसी तरह बनाना है, बस कलर एक दूसरे के ऊपर चेंज करने हैं। आपको जो कलर पसंद है आप उस कलर में, सॉरी इसी तरह बनाना है। देखिए दो सिलाई चार सिलाई हमने पहले कंप्लीट कर दी, दो सिलाई अब हमारी है दो, और ये बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन है, सबके समझ में आ सकता है। और अब हम आपको इसे थोड़ा बड़ा करके दिखाएंगे, इसलिए हमने दूसरा कलर लगा के दिखाया कि थोड़ा डिज़ाइन का भी पता चलना चाहिए कैसा दिखता है। देखिए ये मेरी सेवन सिलाई सेवन रो कंप्लीट होगी और ये डिज़ाइन इस तरह बन के आएगा। मैं इसे आपको बड़ा करके दिखाऊंगी। देखिए डिज़ाइन हमने यहाँ तक बना के दिखा दिया आपको। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा डिज़ाइन कैसा लगा। थैंक यू।